सभी हम लोग हैं बस में और हम लोग जा रहे हैं अब आगरा मथुरा से निकल गए हैं। देखिए मेघा को, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आगरा पहुंच गए हैं। अब यहाँ बस स्टैंड के पास थोड़ा सा खाएंगे अभी थोड़े। तो हम लोग आगरा में आ गए हैं और ये देखिए मेघा क्या खा रहे हो। मेघा इसे क्या बोलते हैं? छोले खुर्चे बोलते हैं। अच्छा तो ये खा रहे हैं। टेस्ट बताओ, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से निकल गए हैं होटल के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ताजमहल के पास ही हम लोग होटल लेंगे, तो उधर ही हम लोग जा रहे हैं। और इस दिन ना मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो रहा है, फीवर आ रहा था हल्का सा। अब आगे देखेंगे क्या होता है। दवाई तो वैसे मैं रखी थी। और हम लोग ना बहुत सारा होटल ढूँढे हैं, बहुत टाइम पे हम लोग को अच्छा सा होटल मिला। और हम लोग को थोड़ा टिकट भी करवाना था इसीलिए देख रहे थे। और यहाँ पास देखिए लाल किला, जहाँ से रानियाँ अपने ताजमहल को देखा करती थी, तो इसके पास से ही रोड है। फिर हम लोग जा रहे हैं अपने होटल के लिए, फिर वहीं जाके आप सभी से मैं मिलूँगी। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मथुरा से आगरा। और मैं बीच का वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरे वास से आप सबको समझ आ रहा होगा, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इसलिए कोई भी वीडियो मैं शूट नहीं की हूँ। अभी हम लोग आगरा आ गए हैं और यहाँ ताज होटल में भी रुके हैं हम लोग। हम लोग आगरा में घूमेंगे भी 2 दिन, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल अभी आप सब भी मेरे साथ आगरा घूमें और इंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी निकल रहे हैं होटल से घूमने जाने के लिए, तो देखते हैं कहाँ चलते हैं। देखिए इधर का बैकग्राउंड और हम लोग कहाँ रुके हैं अभी दिखाती हूँ। ये है हम लोग, यही रुके हैं हम लोग। तो हम लोग आ गए हैं ताजमहल के गेट के सामने। तो ताजमहल जाने के लिए बहुत सारा गेट है, जिसमें से ये एक था। तो हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं और पूरा अंदर जाने के लिए बैटरी गाड़ी बस ये भी था ताजमहल तक जाने के लिए, लेकिन हम लोग चलते हुए गए। तो फ्रेंड्स हम लोग ताजमहल जाने के लिए टिकट ले लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेघा लाइन में लगी है, ताजमहल देखना है मेघा को और मुझे भी देखना है। जहाँ हम लोग का एंट्री हुआ वहाँ बहुत से चेकिंग हुए और हमारा गिम्बल ये सब तो लाने नहीं दिए, कैमरा वगैरह नहीं लाने देते हैं, बस अपना मोबाइल ही रखना रहता है। और फिर ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं अभी। ये देखिए मेरे पीछे है ताजमहल। अब हम लोग चलते हैं ताजमहल देखने के लिए। ये क्या है? उसका गेट है, इतना मस्त है कि अंदर सीधा दिखेगा ताज। वो देख सीधा में देखिए वो रहा ताजमहल, वो रहा ताजमहल देखने जा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ की पब्लिक फोटो खिंचाएंगे भैया फोटो। हेलो चलिए फिर ताजमहल देखते हैं। तो ये एक और गेट है, इसके 4 गेट हैं इसी तरीके से। तो फिर सीधा देखिए ताजमहल दिख रहा है। तो चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। खूबसूरत ताजमहल लग रहा है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो है कि ताजमहल। तो आज हम लोग का सपना पूरा हो गया ताजमहल आने का। तो दोस्तों जिसको आज हम लोग इतने दिनों से फोटो वीडियो में देखते थे, आज रियल में देख रहे हैं ताजमहल। देखिए आप लोग भी नहीं दिखता। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं ताजमहल। जिंदगी का सपना रहता है सबको कि एक बार जरूर ताजमहल देखे। आज हम लोग का पूरा हो गया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे।
ताजमहल घूमकर अभी और अच्छे से पास में जाके देखते हैं हम लोग। यहाँ पास हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बहुत टाइम तक रुके थे, लेकिन इस दिन ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था और इस कारण से ना मैं ज़्यादा टाइम तक रुक भी नहीं पाई और अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाई। और देखिए यहाँ पास हम लोग फॉरनर लोग से सेल्फी ले रहे थे और आए थे लोग ताजमहल देखने के लिए, हमारी संस्कृति को देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो पहली बार मिली हूँ ऐसे लोगों से, और पहली तो वृंदावन में मिली थी, फिर यहाँ तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ताजमहल। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ताजमहल के किनारे किनारे से भी घूम रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग है, लेकिन थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा, इसीलिए मैं आप सबसे ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पास देखिए, मैं बताई ना आप लोगों को कि चार ठो ऐसी गेट है गुंबद वाली, तो एक गेट से तो हम लोग आए हैं और इसी तरीके से आमने सामने में और है, तो चार गेट है। और इसके पीछे ना सरोवर है, तो वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं गए, नीचे से ही। और ना इस दिन शुक्रवार था जिस दिन हम लोग ताजमहल देखने गए, तो इस दिन ताजमहल में बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहता है और ना मेरी तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए फिर हम लोग लाल किला और भी बहुत सारा जो किला है वहाँ हम लोग नहीं देख पाए। दूसरे दिन हम लोग वापस आ गए क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को ताजमहल कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग घूम लिए ताजमहल, अब सब चलते हैं घर, घर नहीं जाके लाल किला चलेंगे, देखते हैं अभी जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पास और एक फॉरनर था, तो उनसे भी हम लोग पिक ले लिए और बोले कि हम लोग का भी एक फोटो ले लो करके, तो हम लोग उनको फ़ोटो लेके दे दिए। और यहाँ गणेश चतुर्थी आने वाली थी, तो देखिए गणेश आ गए हैं, चतुर्थी आने वाले हैं, तो बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति थी। उसके बाद रात को हम लोग यहाँ पर आ गए हैं आगरा में, ये मामा फ्रैंकी करके बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ हम लोग खाना अपना पार्सल करवाए, फिर लेके गए, फिर होटल में हम लोग किए हैं। और यहाँ एक बार ज़रूर आप सब आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली होटल में पहुँच गए हैं, घूम के आ गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी खाना खाएंगे, सोएंगे, फिर सुबह की हमारी ट्रेन है वापस जाने के लिए रायपुर। तो आप सभी से अब मैं सुबह मिलती हूँ, तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय, मिलती हूँ अच्छे।